हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे किचन में आज हम बनाएंगे हरी साबुत मूँग का लड्डू दाल का नहीं मूंग का खड़ी मूँग का हमारे यहाँ खड़ी मूंग बोलते हैं जिसे हम कहते हैं साबुत मूँग तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले पैन में हम ढाई सौ ग्राम गुड़ डालेंगे ये हमने बारीक बारीक थोड़ा सा तोड़ लिया है ये ढाई ग्राम गुड़ है गुड़ में लड्डू बनाकर खाइए बहुत हेल्दी होता है सेहत के लिए भी अच्छा होता है तो इसमें हम दो चम्मच सिर्फ दो चम्मच पानी डालेंगे जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं नाश्ता करते हैं उसी चम्मच से इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक गुड़ पिघल ना जाए तब तक इस तरह चलाते रहिए नहीं तो पैन में चिपकने लगता गुड़ और जल जल जाता है थोड़ा सा ऐसे उल्टा पलटा करते रहिए तुरंत गलता है आँच पे जाके ये गैस पे अब तक मैंने जितने लड्डू बनाए थे सब चीनी में बनाए थे आज मैं पहली बार बना रही हूँ गुड़ में तो देखते हैं कैसे बनेगा गुड़ का स्वाद कैसे आएगा और लड्डू कैसे बनेगा तो इधर मैं दूसरा पैन रखती हूँ दूसरी गैस पे तो इसमें हम दो कप खड़ी मूंग डालेंगे साबुत मूंग मूंग जिसे हम कहते हैं ये टोटल मैंने दो कप का यूज किया है ये मूंग है इसको हम छः से सात मिनट मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे ऐसे ही गैस पे इसमें तेल घी का यूज नहीं करना है अभी सिर्फ ऐसे ही भुनना है जब तक ये मूंग लाल थोड़े से ना हो जाए तब तक इसे हमें भुनना है कंटिन्यू चलाना है नहीं तो ये जल जाते भी हैं इस मूग का लड्डू ज़रूर बनाकर खाइएगा और सर्दी में तो ज़रूर बना के खाइएगा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है मूग जब तो ये भुन चुका है अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे तो रख देते हैं थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये देखिए अभी से हम छू पा रहे हैं इतना ठंडा हो चुका है बहुत ठंडा नहीं करना है हल्का गुनगुना ही रहे मूँग तो इसे एकदम बारीक पाउडर बनाना है पीस कर तो ढक्कन बंद कर लेते हैं अब इसको हम पीस लेते हैं तो ये देखिए एकदम बारीक पाउडर बनकर तैयार है तो इसे हम पैन में भुनेंगे तो यहाँ पर पैन में हम दो चम्मच घी डालेंगे ये देसी घी है अब इसे मूंग का आटा हम डाल देंगे जो मूंग पीस के रखे थे अगर आपको दर्दरा लगे तो इसको जिस छन्नी से हम आटा छानते हैं उस छन्नी से छानना पड़ेगा तो एक दो बार छान लीजिए बारीक पाउडर मिल जाएगा आटे जैसा और अगर मिक्सी में अच्छी तरह पीस गया तो छानने की कोई ज़रूरत नहीं है हमने छाना नहीं है हम बारीक एकदम पीस लिए थे तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम सात से आठ मिनट भुनेंगे जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए जिससे लड्डू खाने में स्वादिष्ट लगे और मुंह में चिपचिप -चिप ना हो इसे कंटिन्यू चलाना है इस तरह से भुनना है तो देखिए अब थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है अच्छी तरीके से दाल का पा भुन गया है मूंग का आटा अच्छी तरीके से देखिए भुन चुका है अभी इसे हमें और भी भुनना है यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट लिए हैं छः से सात काजू था छः से सात बादाम था हमने काट कर बारीक बारीक डाल दिया है आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं अब इसमें आधा चम्मच हम इलायची का पाउडर डालेंगे ये सिर्फ़ स्वाद के लिए होता है फ़्लेवर के लिए होता है लड्डू खाइए तो मुंह में खुशबू आए खाते समय सर्दी में इस लड्डू को बनाकर बच्चों को तो ज़्यादातर खिलाइएगा क्योंकि मूँग जो होती है सेहत के लिए अच्छी होती है और ये गर्म भी होती है बच्चे बड़े सब खाइए कोई दिक्कत नहीं और बहुत आसानी से बन जाता है कोई दिक्कत नहीं आती है इसे बनाने में बस जैसे जैसे मैं बना रही हूँ इसको ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो और आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा मूंग के लड्डू बन के तैयार होंगे हमने गैस को बंद कर दिया दाल भुन चुकी है अब इसको हम एक थाली बड़ी थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसे हल्का ठंडा करना है स्पैचुला से ऐसे थोड़ा सा चला लेते हैं ठंडा हो जाएगा ये इतना ही ठंडा करना है जितना हम हाथ से छू सकें और लड्डू बांध सकें तो यहाँ पर हम जो गुड़ का सिरप तैयार किए थे ये डालते हैं थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे हमने तीन बड़ा चम्मच भर के डाला है एक साथ में डालेंगे तो गीला हो जाएगा ना लड्डू नहीं बध पाएगा तो इसलिए हम तीन चमचा डाले हैं इसको मिक्स करते हैं शुगर सिरप को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बस गुड़ घुल जाए अच्छे से पैन में और दो तीन सेकंड पक जाए इतना ही पकाना है गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है तो हमने उतना ही पकाया है तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है अब इसको हाथ से मिक्स करेंगे हम अभी थोड़ा गर्म है लेकिन गर्म गर्म में ही बांधेंगे लड्डू को इधर मैं वीडियो में आवाज़ डालने बैठती हूँ तो मेरी बेटी मम्मा मम्मा ढूँढने लगती है मुझे तो एक लड्डू बांध के दिखा देते हैं बहुत अच्छे लड्डू बांधते हैं बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है ये देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी मूंग के दाल लड्डू बनाने में मूंग को पीस कर आटा बनाकर लड्डू बनाने में ये देखिए एक लड्डू और भी बांध के दिखा देते हैं तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बांध के तैयार करेंगे हमने दो लड्डू बांध कर तैयार कर दिया है ये देखिए इस तरह से सारे लड्डू बना लिए हैं हमने और मूँग मूँग के लड्डू बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बस ध्यान रखना मूँग को पीसिए अच्छे से पाउडर हो जाए आटे का जैसा उसको छान लीजिए और घी में भूनिए जब तक उसका कच्चा पन निकल ना जाए तब तक भुनना है और आपकी मर्ज़ी गुड़ में बनाइए या चीनी में बनाइए और सर्दी में ज़रूर खाइएगा बना के दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाय बाय